प्राणना प्रणाम अब धाम धनी श्री राज्य महाराज मंचासीन विधवत वर्ग और धाम धनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साध जी प्यारे साथियों सज्जनों ये बानी गर्जत मांझ संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मुड मती ना जाने विचार श्री महामती कहे पुकार पुकार प्यारे साथियों दो दिन हो चुके और दूसरे दिन की आखिरी सभा और वक्त हो चला पूज्य स्वामी जी के मुखार से सभा हो चुकी पूजा आचार्य ने भी धाम की ओर ले गए सुंदरसाद की फरमाइश थी खुलासा ग्रंथ की ओर जाएं और राज्य के स्वरूप को समझाने का प्रयास करें तो एक चौपाई आती है जब ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ नाथ रासलीला खेल के आए बरारेसठ वर्ष तहां रहे वायदा किया इष्ठाम हिंद की धरती में आने का कौल किया वादा किया जब फरिश्ता संदेश लेकर के आता है मोहम्मद साहब पूछते हैं और मोहम्मद को अली पूछते हैं अली कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल, आप खुद खुदा से बातें करते हैं तो बताइए हम भी बातें कर सकते हैं आप तो बातें करते आप तो अल्लाह के रसूल हो अल्लाह से बातें करते हैं हम बातें कर सकते हैं हम मिल सकते हैं बोले हाँ कब कल परसों नहीं कयामत के दिन ये कयामत क्या होती है तब मोहम्मद साहब जबरिल फरिश्ते के माध्यम से बताते हैं कि आरबोसो ऐसा कहा कागद ए परवान आपसी रब आलम का तब खोलसी कुरान गिरो रोहित आए नहीं तो यूं करी शबत अल्लाह हम इत आवसी फरजा रोज क्या मत बोले चिंता मत करो कयामत के दिन हम भी आएंगे और खुदा भी आएंगे और साथ में मोमिन भी आएंगे तो बोले खुदा की बैठक कहां होगी <laughs> जैसे हम लोग कहते हैं ना सूझे स्वामी जी का भी एक ही लक्ष्य था पूरी चर्चा का कि लाओ प्यार और करो दीदार अब राज्य को बिठाए तो कहां बिठाए हम लोग सुबह सुबह बोलते हैं आबो जीवाला मारे घेरे आबो जीवाला मारे घेरे कौन से घर में झुपड़ी में बंगले में दूसरे माले तीसरे माले बीसवें माले कहां पर कौन से घर में जिस दिन उस घर की पहचान हो जाएगी बुलाने का तरीका आ जाएगा सुंदर साद कौन कहता है कौन कहता है परमात्मा आते नहीं तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं कौन कहता है परमात्मा खाते नहीं तुम सबरी की तरह खिलाते नहीं अरे कौन कहता है परमात्मा नाचता नहीं तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं जिनके सारे सातों समुद्र उछलते देखा है उसको उसको गोपियों के प्रेम के पाले हरि को बद के अपने नियम बदलते देखा है अरे साथियों सारी हमारी गाड़ी कहां रुक जाती है तरीके के ऊपर आइडिया के ऊपर अब परमात्मा की बैठक कहां होगी मोहम्मद साहब पूछते हैं और मोहम्मद साहब ने बताया था कि खुदा कल के रोज आएंगे तो कहां बैठेंगे मंदिर में मस्जिद में जगह कौन सी होगी उठाए किरणतन ग्रंथ सुंदर सात किरण ग्रंथ पढ़ते हैं और महामती ने वर्णन किया है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है अब वो वायदा राज्य को याद दिला रही इंद्रावती आत्म और कहते कि मैंने नहीं कहा।, अर्श कहा दिला मैंने नहीं कहा कहा है आपने कहा है और कब कहा है हजार साल पहले हजार साल पहले आपने वादा किया था कि कल के रोज में आऊंगा पर मेरे भाइयों खातिर आऊंगा मैं दुनिया के खातिर नहीं आऊंगा किसके खातिर भाइयों के भाई कौन है खुदा के भाई कौन है सुंदर साथ इसलिए तो एक दिन मामा साहब बड़े दुखी थे और दुखी तो अली ने अली अबू बकर और अमर वो हमेशा सा उनके साथ रहा करते थे तो अली ने पूछा कि हे अल्लाह के रसूल दुनिया के दुख के लिए तो आप दुखी हो ही नहीं सकते बोले आप दुखी क्यों हैं कि मैं मेरे भाइयों खातिर दुखी हम तुम्हारे भाई नहीं है <laughs> क्या कहा हम तुम्हारे भाई नहीं कहते तो तुम हमारे यार हो यार यानी मित्र ये कुरान पक्ष की बात है अब हिंद पक्ष की अभी आएगा चिंता मत करिएगा बोलो श्री प्राण जैसे पानी को हम हिंदी हिंदी या गुजराती में बोले तो क्या बोलते हैं पानी या जल अंग्रेजी में बोले तो और अरबी फारसी में बोलेंगे तो आप तत्व तो एक चिंता मत कर जिसको मोमिन कहा गया है उसको ब्रह्म आत्मा ही कते पक्ष का देख लेते मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं मेरे भाइयों के खातिर आऊंगा और भाई कौन है यह पता नहीं प्यारे सुंदर साद जी कुरान का खुलासा कुरान शरीफ में अर्श कहा दिल मोमिन सुंदर साहद का दिल अर्श है अब उसके अंदर राज्य को बिठाना है तो राज्य कैसे बैठेंगे जयकार लगाए बोलो श्री कोई भी मेहमान आए तो हम लोग कहां बिठावे बिस्तर पर बिठाते ना पहले क्या बिस्तर लगाते एक नहीं ऐसे ही बिठा देते बिस्तर लगाते हैं कहीं सगा वाला आया कहीं गंदगी ना हो तो भाई बेजती हो जाएगी बढ़िया नहीं तो सप्ताह पहले फोन आया ना बिल्कुल बार बार बिस्तर साफ करेंगे भैया सिलवट नहीं होनी चाहिए किसके लिए <laughs> और जो हमारे प्राणों के नाथ है प्राण नली के नजीक है कभी विचार किया कि उनके लिए कभी बिस्तर लगावे <laughs> हमारा दिल इतना हम साफ करें इतना साफ करे तिल मात्र भी गंदगी ना वो संसार की गंदगी नहीं भाई संसार की गंदगी को हम झाड़ू लगा देते हैं तो साफ हो जाती है बाकी अंदर की गंदगी है बाहर शरीर को नहलाओगे तो सवाम साबु घिसना कितना <laughs> एक दो किलो नहीं कितना सवामण साबु घिसोगे तो भी कल फिर से नहाना पड़ेगा मन मेलो धुयो नहीं उजला करो आकार मन को धोना है अंतर की मलिनता को मिटाना पड़ेगा और मलिनता को मिटाने के लिए आप धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज ब्रह्मा वाणी लाए।, लाए है ब्रह्मवाणी लाए है सुंदर सात फिर भी अगर हम सब सुंदर सात दुनिया की राह पर चलते रहेंगे और राज्य की राह पर नहीं चलेंगे तो भक्ति की राह पर दो बातें याद रखना एक तो ईमान पक्का होना चाहिए क्या पक्का होना चाहिए ईमान यानी विश्वास पर हमारे गड़बड़ी कहां हो जाती है हम लोग विश्वास में गड़बड़ कर जाते हैं नहीं तो विचार करना छत्रपति शिवाजी उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास उनको पक्का पता था कि अगर मैं कोई दुखी हूं तो मेरे सवालों को उत्तर मेरे सदगुरु को पता है और जरूर देंगे एक बार छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के पास जाते हैं और वो रहते थे जंगल में जंगल में गए बारह बजे का समय था प्यारे सुंदर शाह जी भोजन का समय हो चुका है समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि शिवा भोजन का समय हो चुका है बारह बज चुके हैं एक काम कीजिए पहले भोजन ले लीजिए उसके बाद आप जो भी वार्तालाप करना आप कर सकते हैं तो बोले जंगल में यहां कहां से रसोई आएंगे भाई यहाँ कहाँ सा कोठार है यहाँ के वन फल भी नहीं है यहाँ गुरु गुरुजी अकेले हैं तो ये कैसे मैनेजमेंट होगा छत्रपति शिवाजी के अंदर एक विचार दूसरा विचार जैसे समुद्र की लहरें हिलोला मारती है वैसे विचारों के अंदर छत्रपति शिवाजी खोने लगे समझ गुरु रामदास समझ गए कि शिवा विडम्बना में पड़ा है का के काम कर बेटा तेरे सैनिक जो आए हैं वो गुफा में वो पत्थर की शिला हटाना वहां भोजन है शिला हटाई वहां भोजन मिला सा भोजन कराया बोले दूसरी जगह जाओ वहां पानी है और घोड़ों के लिए चारा है खिला दिया अब एक प्रश्न हुआ उसके ऊपर दूसरे प्रश्न हो गए कि ये भोजन कहाँ से आया जो सवाल लेकर के शिवा गए थे समृद्ध गुरु रामदास के पास वो तो भूल गए और गुरु जी को वचन से बांध दिया गुरुदेव मैं मिलने तो आया था मेरे मन की विडम्बनाएं थी पर दूसरे प्रश्न ने जन्म ले लिया है पहले आप उसका उत्तर दीजिए उनका कैसे तो के यहां कोई रसोईया नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी ये खाना सारा मैनेजमेंट कैसे हो गया तो कि शिवा ये मन का खेल है ये संकल्प का खेल है ये विश्वास का खेल है विश्वास का खेल बोले हां जिस दिन अंग अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरम तद पदम दर्शितम तस्मय श्री गुरुवे नमा जिस दिन ब्रह्मलोक की कणकण -कण में जो विराजमान है जमुना जी में भी वही है होश कोसर तालाब में भी वही है प्यारे सुंदर साजी जी पुखराज में भी वही है माणे के रूप में भी वही है उसकी पहचान उनके ऊपर विश्वास आ जाए यहां समर्थ गुरु रामदास कहते हैं यह तो मेरे विश्वास का खेल है ब्रह्म सत्ता का खेल नहीं है बोले कैसे आप कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते बस यहां सुई अटकी है ध्यान से सुनना बोलो श्री छत्रपति शिवाजी अड़ गए कि गुरुदेव ये हुआ कैसे हमें तरीका बताइए सुंदर साध समर्थ गुरु रामदास कहते शिवा आप जो संसार में रहते हो हम जो ध्यान करते हैं हम संकल्प विकल्प की जो शक्ति है वो एकत्रित कर लेते हैं हमारे मन की जो तरंगे हैं वो चार ओर घूमती रहती है और हम लोग सा, साधना के माध्यम से संकल्प करते हैं और संकल्प अगर हमारे अभी सबके अंदर संकल्प विकल्प के सौ प्रतिशत हमारी तरंगे भ्रमित कर रही है। और जो योगी होते हैं साधक होते हैं वो साधना के बल के बल से उनके संकल्प विकल्प की तरंगे किसी की धीरे 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 हाई नहीं होते लोक में आती है कम होती है जैसे जैसे संकल्प विकल्प की शक्ति कम होती है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा पॉजिटिव प्रवाहित होती है और आपने कई जगह देखा होगा सुना होगा कोई साधु संत ने किसी ने मुर्दे को भी जिंदा किया किसको जिंदा कर दिया तब लोग हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते कि ये कैसे संभव हो गया भाई ये कहां से हो गया मैं ब्रह्मांड के सामने विश्वास को लेकर के ये गाथाएं मुझे बतानी पड़ रही मैं विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूं पर आप इतना समझिए जैसे जैसे हम साधना में डूबते जाएंगे हां पहले आप जब करना पड़ेगा जल्दी मन नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा क्योंकि जैसे अगर हम कहीं किराए घर में रहते हैं और जिस दिन कमरा खाली करें ना उस दिन का कबाड़ा फैला होना तब देख लेना कि क्या हाल होता है बर जब वो दूसरे घर में शिफ्ट कर लेंगे ना तब तो बड़ा सुकून मिलता है बस ध्यान का भी ऐसा खेल है कि संसार में हम बैठे हैं तो समझ लेना कबाड़े में बैठे समझ में आता है <laughs> जयकर लगाया बोलो श्री <laughs> हमारे संकल्प विकल्प अनेक प्रकार के विचार हमारे चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं उसको हम परमात्मा के चरणों के अंदर शिफ्ट कर देंगे जल्दी नहीं होगा धीरे धीरे आज 100 प्रतिशत होगा कल भी सो होगा पांचवें दिन धीरे 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 तरंगे पॉजिटिव प्रवाहित होगी नेगेटिव कम होने लगेगी धीरे धीरे संकल्प विकल्प की शक्ति अब हम लोग क्या सोचते हैं आज ध्यान किया कल ध्यान किया एक बात आपको ध्यान के ऊपर बता देता हूं बोलो श्री प्राण समय पूरा हो जाता है पर दो मिनट लेता हूं एक बार एक गुरु थे उन्होंने कहा बेटा ध्यान किया करो उन्होंने कहा गुरु सही है ध्यान में बहुत शक्ति है पॉजिटिव एनर्जी हमारी प्रवाहित होती है तो जो हम चाहते वो हो जाता है परमात्मा के चरणों में बंद की कर जो एक्टिवेट मोबाइल है साहब सिम में पैसे भी है समझ में आता है और टावर भी बरोबर आ रहा है अन बटन नहीं काम कर रहे हो तो बस गड़बड़ी यही है बोलो श्री